डिसीजन रिव्यू सिस्टम, जी हाँ DRS, आज इस पे थोड़ी सी करते हैं चर्चा। हैशटैग आकाशवाणी। और सबसे पहले बड़ा सवाल कि क्यों हुआ था DRS, क्यों इसका इजाद किया गया था, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो प्रमुख वजह ये थी कि हाउलर्स को हटाना चाहते हैं। व्हाट इज़ अ हाउलर? जो बहुत ख़राब डिसीजन हो, जैसे बहुत बड़ा इनसाइड एज लगा, आउट दे दिया, लेग स्टंप के बाहर बॉल पिच हुई, आउट दे दिया, ऑफ स्टंप के बाहर इंपैक्ट है, आउट दे दिया, अब एज लगा ही नहीं, कॉट बिहाइंड दे दिया। तो ये सब को हटाने के लिए, जो बड़े बड़े डिसीजन हैं इनको हटाने के लिए DRS का इस्तेमाल किया जाता है। तो मार्जिनल कॉल्स के लिए तो है नहीं, ये एक बड़ा एक सीख है सबके लिए। और ये हमने एशिया कप में एक बार देखा, जहाँ पे KL राहुल ने मार्जिनल क्या, वैसे वो गलत उनका रेफरल था, वो बिल्कुल सामने आउट थे, उन्होंने उस DRS को ले लिया, वो DRS ख़राब हो गया, रेफरल ख़राब हो गया, तो उसके बाद धोनी को आउट दिया गया, वो DRS का इस्तेमाल नहीं कर पाए। उसके बाद दिनेश कार्तिक को आउट दिया गया, वो भी DRS का इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो फिर हम कहते हैं कि यार देखो राहुल ने कितना गलत काम किया। राहुल ने खुद भी एक्सेप्ट किया, गलती हो गई यार, मुझे नहीं लेना चाहिए था रिव्यू, क्योंकि गलत है, मुझे नॉन स्ट्राइकर को बताना चाहिए था, व्हाटएवर। बट देन एक चीज़ हम भूल जाते हैं, क्या यार जो अंपायरिंग गलती है, एक बार नहीं दो बार, विच कुड एक्चुअली कॉस्ट योर गेम। अब टाई मैच हुआ, उसके ऊपर दो डिसमिसल बहुत बड़े थे, तो अंपायरिंग क्या गलतियों को ढकने के लिए DRS है? जी नहीं। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल अंपायरिंग एज वेल। हमने IPL में भी देखा, हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा, अंपायरिंग स्टैंडर्ड अगर अच्छा नहीं है ना, तो DRS किसी की मदद नहीं कर सकता। दैट्स पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू कि अगर जो बल्लेबाज है उसने मान लीजिए ले लिया, गलत ले लिया, और वो DRS आपका ख़राब हो गया, तो इसका मतलब ये, अब अगले जो मान लीजिए वो ओपनर है जैसे राहुल थे, तो अगले 8-9 बैट्समैन चाहे कितने भी बड़े बड़े खराब खराब डिसीजन क्यों ना होते रहे, वो रिव्यू है ही नहीं, यानी कि रेफरल हो ही नहीं सकते, यानी कि DRS का कोई काम ही नहीं है। अब क्या ये न्याय है? क्या आप हाउलर को हटा रहे हैं? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो, आप नहीं हटा रहे। तो यहाँ क्या करना होगा, या तीसरे अंपायर को, मुझे लगता है कि प्लेयर्स के हाथ से ही ले लीजिए आप रिव्यू, आप कहिए तीसरे अंपायर को बिल्कुल एम्पावर कीजिए, और ऑन फील्ड अंपायर उससे बात करे, जो तीसरा अंपायर है वो ऑन फील्ड अंपायर से बात करे, जैसे आउट देते हैं। वैसे भी तो कितनी बातें करते हो यार, ये चौका हुआ, नो बॉल हुई, वाइड हुई, छह चीज़ें तो आप उनसे एक दूसरे से पूछते रहते हो। तो कम से कम डिसीजंस, जो मैच में कितनी विकेट गिरती हैं, एक पारी में 5-7 से ज़्यादा विकेट कहाँ गिरती हैं, उसमें से एक दो ही ऐसे होंगे जो थोड़े से मार्जिनल होंगे, तो उसको बुला लो यार, एक दूसरे की मदद कर दो, और वहाँ आप डिसीजन लीजिए, रोक दीजिए। अगर आपको लगता है कि देर इज़ अ हिंट ऑफ डाउट, रुक जाइए, लेट मी जस्ट हैव अ लुक, दैट्स वन थिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बड़ा मज़ेदार है, इमेजिन ये वर्ल्ड कप का फाइनल है, आखिरी बॉल है, अंपायर ने बल्लेबाज को लेग बिफोर आउट दे दिया, जीतने के लिए चाहिए 2 रन, बॉल लगती है पैड पे और चली जाती है बाउंड्री पे, बाउंड्री पे चली गई है, किसी ने रोका नहीं है, चौका हो गया है, लेकिन अंपायर ने आउट दे दिया है, बल्लेबाज करता है मेरे को चाहिए DRS। अब DRS जब चेक किया जाता है तो उसमें इनसाइड एज है, और वो जो चौका है वो चौका बैट से दिया जाना चाहिए, यानी कि वर्ल्ड कप आप जीत जाएं अगर वो DRS सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए, लेकिन उस बॉल को डेड बॉल दिया जाएगा, फिर वो दोबारा बॉल डाली जाएगी। तो क्या ये न्याय है? दैट इज़ समथिंग दैट दी ICC नीड्स टू एड्रेस। अभी तक ये हुआ नहीं है, बट डोंट रूल दैट आउट, ये हो सकता है। नाउ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट, कॉमेंट का सेक्शन है ना, बता दो यार व्हाट डू यू थिंक अबाउट द DRS।